इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अद्विका'स वर्ल्ड। ये देख रहे हो अद्विका का क्यूट सा फेस, कितनी एडोरेबल लग रही है ना मेरी बेटी। ये भगवान इसको मेरी ही नजर ना लग जाए। ये अद्विका का एयरपोर्ट लुक है और अद्विका जा रही है बहरेन अपने पापा के पास। ये अद्विका का फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट है। ये अद्विका का ही नहीं, इनफैक्ट मेरा भी फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट है। देखिए ये अद्विका कितनी एक्साइटेड नजर आ रही है ना। इसको लग रहा है कि अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जा रही है, बट इसको नहीं पता है कि वो एक कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में अपने नाना नानी मामा मामी और मौसी से बहुत दूर जा रहे हैं। वो इन सब से बहुत ज्यादा अटैच थी क्योंकि उसका बॉर्न कोलकाता में, बॉर्न और अपब्रिंगिंग अभी तक कोलकाता में ही हुआ था। तो कोलकाता के साथ मेरा बहुत ज्यादा इमोशंस जुड़ा हुआ है क्योंकि स्टार्टिंग से मैं कोलकाता में ही रहती थी और मेरा पूरा फैमिली भी कोलकाता में ही रहता है। तो आप समझ सकते हो कि शहर के साथ मेरा कितना सारा यादें जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए, ये उसके बड़े मामा हैं। ये हमें एयरपोर्ट पे जा रहे हैं सी ऑफ करने के लिए। तो इस टाइम में मैं एक्साइटेड तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं थोड़ा अंदर से दुखी जरूर थी कि मैं शहर को छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रही हूँ। ये मेरा छोटा भाई है, ये भी हमें सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पे जा रहे हैं। एक्चुअली इस वीडियो में आपको उसके नाना नानी नहीं नजर आएंगे क्योंकि वो एयरपोर्ट पे नहीं आ पाए थे। एक्चुअली उनको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था और उस काम को छोड़ना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। इसके लिए मेरी मम्मी बहुत ज्यादा रो भी रही थी, बट क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि कोलकाता के साथ मेरा बहुत सारा इमोशंस जुड़ा हुआ है, मेरा ही नहीं इनफैक्ट अद्विका का भी बहुत सारा इमोशंस और यादें जुड़ा हुआ है। हम एक अलग कंट्री में जा रहे हैं अपने फैमिली से बहुत दूर एक छोटे से बच्चे के साथ। देखिए वीडियो में आपको मेरी आंखें बहुत नम नजर आएगी, जो कि बहुत कह सकते हैं नेचुरल भी था कि अपने पूरे फैमिली को छोड़ के मैं जा रही हूँ। ये देखिए अद्विका कितनी खुश नजर आ रही है, वो एयरपोर्ट पे काफी खेल रही थी। ये सिक्योरिटी और चेक इन करने के बाद हम लोग फ्लाइट लेने जा रहे हैं। एक्चुअली बहरेन के लिए कोलकाता से डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं है, तो पहले हम मुंबई जाएंगे। मुंबई जाने के बाद हम बहरेन के लिए फ्लाइट लेंगे। जब हम फ्लाइट ले रहे थे तो उससे 2-3 दिन पहले ही मैं डॉक्टर के पास गई थी। आपको तो पता है कि फ्लाइट में बच्चों को कभी कभी ईयर पेन होने लगता है। तो ये डॉक्टर के साथ डिस्कशन करके मैंने कुछ हैक लिखवाया था और प्लस कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करवाया था, तो वो भी मैं वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। अद्विका को वैसे कोई प्रॉब्लम तो नजर मुझे खास आया नहीं, वो मुंबई में जब लैंड की तो बिल्कुल ठीक थी। हाँ जब वो बहरेन में लैंड कर रही थी तो थोड़ा सा उसको दिक्कत हुआ था 2-3 सेकंड के लिए, फिर वो अपने आप सेटल हो गई। ऐसा कुछ उसको दिक्कत नजर उसके अंदर मुझे आया नहीं। तो ये जर्नी हमारा बहुत हैप्पी हैप्पी था। तो ये फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दिखाया अपना कोलकाता से लेके मुंबई तक का जर्नी। अब सेकंड पार्ट में मैं आपको मुंबई से लेके बहरेन तक की जर्नी दिखाऊंगी। तो प्लीज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।